नमस्कार फ्रेंड्स, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बादाम रोगन यानी रोगन बादाम शरीर के फायदों के बारे में बताया जाएगा। रोगन बादाम शरीर को आमतौर पर बादाम तेल या फिर मीठा बादाम तेल कहा जाता है और ये तेल हमारी त्वचा के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। बादाम रोगन में विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन यानी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 6 जैसे तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। ये हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं। इस तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती और ये हल्के पीले रंग का या फिर रंगहीन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं बादाम रोगन के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके सबसे पहला फ़ायदा है, डार्क सर्कल दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, बादाम रोगन का जो सबसे पहला फ़ायदा है वह है आँखों के नीचे जो काले दाग यानी डार्क सर्कल हो जाते हैं ये उन्हें दूर करता है। कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक काम करने, नींद ना लेने और हार्मोन इनबैलेंस के कारण आँखों के नीचे काले धब्बे या डार्क सर्कल आ जाते हैं। यदि आप उन डार्क सर्कल पर नियमित रूप से बादाम रोगन का तेल लगाएंगी तो धीरे धीरे आपके ये डार्क सर्कल कम होना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। माइग्रेन पेन से राहत। आजकल की व्यस्त जिंदगी में दौड़ धूप और तनाव के कारण बहुत से लोगों को सिर में आधा दर्द रहता है और वे दवाई लेते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेल इतना असरदार है कि यदि बादाम रोगन के तेल से सिर में हल्की मसाज की जाए तो 2 या 3 दिन में आपके सिर दर्द की समस्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि एकदम नहाने के बाद बादाम रोगन का इस्तेमाल मत करें। दूसरा, कई बार किसी की गर्दन भी अकड़ जाती है तो भी बादाम रोगन का इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा रूखी त्वचा में फायदेमंद। दोस्तों, बादाम रोगन तेल मॉइस्चराइजर का काम करता है। यदि किसी की त्वचा ज़्यादा रूखी यानी ड्राई स्किन है तो रात को सोने से पहले यदि आप बादाम रोगन का इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करते हैं तो आपकी सूखी त्वचा में धीरे धीरे ग्लो आ जाएगा और वह मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। आपने बादाम तेल को अपनी त्वचा पर लगाकर रात को ऐसे ही छोड़ देना है और सुबह मुंह धो लेना है तो धीरे धीरे आपको अपनी त्वचा पर काफ़ी बदलाव महसूस होगा और वह रूखी त्वचा से सामान्य त्वचा में धीरे धीरे बदल जाएगी। और यदि आपके होंठ भी फटते हैं तो भी बादाम रोगन इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। झुर्रियाँ कम करने में सहायक। अगर किसकी स्किन पर समय से पहले झुर्रियाँ पड़ गई हैं या सनबर्न हो गया है तो वह भी बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकता है और इससे भी आपकी झुर्रियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी अगर आपकी त्वचा पर समय से पहले झुर्रियाँ पड़ गई हों तो। कब्ज हटाने में सहायक। गर्म दूध में 1 चम्मच बादाम ऑयल डाल लीजिए, अपने स्वाद अनुसार उसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल लीजिए। उसको आप यदि भोजन के बाद लेते हैं तो सालों पुरानी कब्ज की बीमारी है तो वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बादाम रोगन हमारी आंतों की सफाई भी करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये याददाश्त बढ़ाता है। यदि हम इसे दूध के साथ बादाम रोगन लेते हैं तो इससे हमारी याददाश्त तेज़ होती है और साथ ही साथ इससे हमारी स्किन में भी ग्लो आता है और हमारी त्वचा चमकदार होती है। यानी बादाम रोगन को दूध के साथ लेंगे तो एक तो हमारी त्वचा बहुत ग्लो करेगी, आंतों की सफाई होगी और दिमाग भी तेज़ होगा, यानी याददाश्त भी बढ़ेगी। खासकर बच्चों के लिए बादाम रोगन तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे उनके सोचने, समझने और पढ़ाई में याद रखने की शक्ति बढ़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे ज़्यादा नहीं लेना। अगर दूध के साथ आप इसे 3 या 4 चम्मच लेंगे तो आपको डायरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे बादाम रोगन के फ़ायदे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय फ्रेंड्स।